नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल डेली लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फेयर एंड हैंडसम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी क्रीम है, तो उसकी कितने में इनकी कित इनके जो ऐड होते हैं उनमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फेयर एंड हैंडसम इसमें हमारे बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े स्टार लोग ऐड करते हैं कि गोरी स्किन पाइए, और बहुत सारे, मैं भी जब छोटा था मैंने भी यूज़ किया, आप लोगों ने भी यूज की होगी, आप लोगों को पता है कि कितना ये इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये जो क्रीम है, कुछ जैसे स्किन ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, इन लोगों को ये क्रीम नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब ये ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन इनकी है वो जब यूज़ करते हैं तो उनको रिजल्ट में पिंपल्स वगैरह मिलते हैं। बाकी ये नॉर्मल स्किन वाले लोगों के लिए अच्छी क्रीम है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये किस टाइप की स्किन के लिए यूज़ करनी चाहिए आप लोगों को, मैं ये वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ कि किस टाइप के स्किन के लोगों को यूज़ करना चाहिए और किस टाइप की स्किन के लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है तो आप लोग पता कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो फिलहाल ये बड़ा पैक है, तो इसके साथ तो कंपनी एक फेस वॉश आपको फ्री दे रही है। इसका फेस वॉश अच्छा है क्रीम के मुकाबले, और ये क्रीम मिलती है काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है, सिल्वर प्रिंटिंग में इस समय आ गया है जो नई पैकिंग है। और ये कोई अंदर से सील्ड नहीं होती है, इसी तरह ओपन होती है, और आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस तरह का है। इसका टेक्सचर ये देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, पहले बहुत हार्ड था लेकिन अब कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करके इसको सॉफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर इसको इस स्किन पर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये एब्जॉर्ब होती ही नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अगर ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती एब्जॉर्ब हो जाती तो उसमें आपको एक लेयर देखने को मिल जाएगी, जितने हिस्से पर आप, जितनी स्किन के जितने पार्ट पर आप लोग यूज़ करेंगे उतने को ये वाइट कर देगी, जिस तरह फेयर लवली करती है। तो ये जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और जिस मटेरियल से ये बनी हुई है, ये मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी तक ये एब्जॉर्ब नहीं हुई, और ये क्रीम जो है केवल स्किन पर फैल जाती है और एक लेयर बनाती है, जिससे कि आपको फेयरनेस लगता है कि आपने गोरे हो गया, फिर स्किन कलर साफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जिनकी सेंसिटिव स्किन है और ऑयली स्किन है वो मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पिंपल्स और भी ढेर सारी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि आप लोग पता कर सकें कि मेरी स्किन किस टाइप की, कमेंट में जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।